पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कंचना को एक रेड क्रिमिनल ने मारा था। कंचना कोई बुरी आत्मा नहीं है, उसे किसी रेड क्रिमिनल ने मिल से धक्का दे दिया था। पर उसने ऐसा क्यों किया मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। और आखिर उसकी कंचना से क्या दुश्मनी है, उसने कंचना को क्यों मारा, और आज की इस वीडियो में हम कंचना की हेल्प करने वाले हैं। उसने हमसे हेल्प मांगी थी और हमें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। और कंचना की हेल्प करने के लिए मैंने अपना गेम ओपन किया। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे और आज मुझे डर नहीं लग रहा था। आज मुझे कंचना की हेल्प करनी है, पर मैं उसकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता है। और फिर मैंने सोचा क्यों ना कंचना को वापस से जिंदा कर दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि कंचना को वापस से जिंदा कर दूँ, पर मैं कैसे कर पाऊँगा मुझे कुछ भी नहीं पता है। और फिर मैंने सोचा कि इस बात का पता तो सिर्फ कंचना को ही होगा, तो मैंने देखा कि कंचना ऑनलाइन है। मैंने उसको बुलाया और मैंने उससे हेल्प मांगी कि मैं उसकी हेल्प कैसे करूं। और कुछ देर बाद कंचना का रिप्लाई आता है कि मेरी हेल्प करो। पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कंचना वापस आ जाए। फिर मैंने कंचना से पूछा कि मैं उसकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, और फिर उसकी तरफ से जो रिप्लाई आया उसने मुझे डरा दिया। उसने मुझसे कहा कि मेरे साथ ग्रेवयार्ड चलो। आखिर ग्रेवयार्ड में ऐसा क्या है? और जब मैं पिछली बार ग्रेवयार्ड गया था वहाँ मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। वहाँ पर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जो किसी को भी नहीं पता है। मेरा मैच स्टार्ट हो गया है और मैं प्लेन में आ गया था, लेकिन मुझे कंचना कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। आखिर कंचना मेरे साथ आई थी तो वो कहाँ गई? और मैं धीरे धीरे ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ रहा था। ग्रेवयार्ड में आत्माओं का साया है, पर मैं फिर भी वहाँ जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, और मैं सोच रहा था कि मैं कंचना को कैसे जिंदा करूं। आखिर कंचना वापस कैसे आएगी? ऐसे ही हजारों सवाल मेरे मन में आ रहे थे। क्या मैं ग्रेवयार्ड से जिंदा वापस आ पाऊंगा? और मैं फाइनली ग्रेवयार्ड में पहुंच गया। ग्रेवयार्ड बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा है, और आखिर इस डरावने ग्रेवयार्ड में मैं कंचना की मदद कैसे कर पाऊंगा? आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसमें कंचना की आत्मा बसी हुई है? और आखिर कंचना की आत्मा मेरे साथ थी तो कंचना का शरीर इसी ग्रेवयार्ड में होना चाहिए। और ढूंढते ढूंढते मैं एक कब्र के पास पहुंचा, जिसमें अचानक से कुछ अजीब हलचल होती है और उसमें लिखा जाता है हेल्प मी। और फिर मैं समझ गया कि कंचना का शरीर इसी कब्र में है। और फिर मैं उस कब्र के आसपास घूमने लगता हूँ, और मैं सोच रहा था कि आखिर मैं उसके शरीर को बाहर कैसे निकालूं। मैं उस कब्र के चारों ओर घूम रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, क्योंकि अचानक मौसम ख़राब होने लगा। और फिर मैंने सोचा कि फ्री फायर में ज़िंदा रहने के लिए हम मेडिकेट का यूज़ करते हैं, क्यों ना इस कब्र के आसपास मैं ढेर सारी मेडिकेट फेंक दूँ। लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 मेडिकेट थी। मैंने सोचा कि ये दोनों मेडिकेट मैं इस कब्र पर फेंक देता हूँ, और मैं इस कब्र के ऊपर आके दोनों मेडिकेट को फेंक दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उन दोनों मेडिकेट को फेंका, मानो उस कब्र में से एक हाथ निकल के उन दोनों मेडिकेट को अंदर खींच लेता है। अब मैं समझ गया था कि इसी कब्र में कंचना का शरीर है। फिर मैं एक एक करके ढेर सारी मेडिकेट इकट्ठा करने लगा,
और ढेर सारी मेडिकेट इकट्ठा करने के बाद मैं फिर से उस कब्र पर आया और सारी मेडिकेट वहाँ पर फेंक दी। और सारी मेडिकेट फेंकने के बाद अचानक मौसम फिर से ख़राब हो जाता है, पर मैं वहाँ से भागता नहीं हूँ। मैं उसी कब्र के पास बैठा था, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और इसीलिए पास ही एक बाउंड्री के पीछे मैं जाकर छुप गया। और अब जो मेरे साथ होने वाला था वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक मौसम ठीक हो गया और वहाँ उस कब्र पे एक बॉडी आ जाती है, वो और कोई नहीं, वो कंचना थी। और हमने फाइनली कंचना को जिंदा कर दिया है और यहीं हमारी घोस्ट सीरीज का एंड होता है।